जिन कंधों पर थी मुहिम की पूरी जिम्मेदारी, वही निकला मुहिम का असली गुनहगार। जी हाँ, सरकार की मुहिम नारी शक्ति सप्ताह को सूबे में चलाने के लिए हर जिले के पुलिस आलाकमान और उनके अधिकारी को महिला सशक्तिकरण के लिए कॉलेज और स्कूलों में जाकर उनको अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए कहा गया था, लेकिन छात्रा ने अपनी पीड़ा बताते हुए मुहिम की पूरी पोल खोल दी। खाकी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक छात्रा ने अपनी दुख भरी कहानी एएसपी के सामने महफिल में ही सुना दी। महिला की सुरक्षा और समाज में शांति व्यवस्था का दावा करने वाली खाकी आज फिर सवालों के घेरे में है। कटघरे में खड़ी ये नारी उत्पीड़न का शिकार हुई है और शिकारी कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस का ही अंग है। यानी खाकीधारी ही महिलाओं की सुरक्षा करने की बजाय उसका उत्पीड़न करती रही। मामला प्रकाश में तब आया जब खुद एसएसपी दीपक कुमार गोमती नगर के जयपुरिया मैनेजमेंट कॉलेज पहुंचे और नारी सुरक्षा सप्ताह के मौके पर पुलिस की उपलब्धियां बताने कॉलेज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राजधानी के मुखिया बतौर एसएसपी दीपक कुमार के साथ एसपी उत्तरी अनुराग वत्स सहित सीओ भी मौजूद थे। कार्यक्रम में एसएसपी ने पुलिस की अत्याधुनिक सेवाओं को गिनाते हुए महिला सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया और छात्राओं से कहा कि उनको अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि लखनऊ पुलिस अब हर तरह से आपके साथ है। लेकिन इन तमाम दावों को खारिज करते हुए एक छात्रा ने खाकी से परेशान होकर अपनी पीड़ा एसएसपी के सामने बयान कर दी। इस दौरान माहौल गमजदा हो गया कि कैसे एक खाकीधारी ऐसा कर सकता है। छात्रा के मुताबिक 5 नवंबर गोमती नगर रेलवे स्टेशन की पार्किंग से जबरन खाकीदारी कार में बिठाकर थाने ले गए और कई घंटों तक उसके साथियों को थाने में बिठाए रखा और साथ ही इस दौरान महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं थी। और जब छोड़ने की बात आई तो आरोप है कि पुलिसकर्मी ने 3500 रुपए लेने के बाद उन लोगों को छोड़ा। यही नहीं, सिपाही ने छात्राओं को छोड़ने के बाद व्हाट्सएप ऐप के जरिए उससे नजदीकियां बनाना शुरू कर दी। रोजाना गुड मॉर्निंग के साथ मैसेज के बाद ही छात्रा से नजदीकी बनाने की कोशिश करने लगे। छात्रा के लाख चेताने के और मना करने के बाद भी वो नहीं माना और उसने छात्रा को धमकाना शुरू कर दिया। छात्रा ने बताया कि वो शख्स रोजाना उससे गंदी गंदी बातें करने लगा था और मना करने पर भी मानता नहीं था। लाज और लज्जा के डर से उसने खाकी में छुपे हुए इस हैवान की शिकायत किसी से नहीं की। व्हाट्सएप के जरिए खाकीदारी रोज उसे तंग करने के साथ साथ उसकी ही फोटो को डाउनलोड कर उसे भेजने से बाज नहीं आ रहा था। हमारे कॉलेज में फंक्शन था, डीजे नाइट था। हम बस सेल्फी लेने, मैं थी, मेरी एक फ्रेंड थी और हमारे एक मेल फ्रेंड भी था। हम बस सेल्फी लेने गोमती नगर स्टेशन गए थे। हमने बस सेल्फी लिया था और कुछ भी नहीं किया था। और पहली बात, वो रात के 11 बजे थे। आप 6 बजे के बाद किसी लड़की को आप थाने ले जा नहीं सकते और वो भी बिना लेडी कांस्टेबल के। उन्होंने कार बुलाया और हमें थाने लेके गए। 3 बजे तक हमें वहाँ बैठाया और हमारे जो मेल फ्रेंड था उसे सुबह 10 बजे तक बैठाया। उससे पैसे भी लिए, 3500 रुपये लिए थे उससे। हमें 3 बजे छोड़ा, फिर उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक मेंबर ने मुझे टेक्स्ट किया कि आपकी कोई गलती नहीं थी। मैंने बोला, जब हमारी कोई गलती नहीं थी तो आप हमें ले कैसे गए? और जो थाना का पूरा हेड होता है, उन्होंने हमसे बहुत बदतमीजी से बात की थी। उन्होंने गाली भी दी थी हमें भी और हमारे फादर को भी गाली दिया था। हमने बस उस समय सुना और कुछ नहीं बोला। फिर उस सिपाही ने मुझे मैसेज किया कि आप मेरे साथ ऐसा इसलिए करी क्योंकि मैं, मतलब उसने शायद बोला कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगती हैं ये वो। फिर मैंने मना कर दिया तो उसने बोला, आप मेरे साथ इसलिए ऐसा करी हो क्योंकि मैं सिपाही हूँ। तो फिर उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं, आज भी गुड मॉर्निंग वगैरह डेली आता रहता, तो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। इस बात की शिकायत आपने किसी नहीं की थी? अभी जब एसएसपी सर थे, आपने ये सारी शिकायत की, तो उन्होंने बोला कि एक्शन लेंगे वो उनके खिलाफ। आपको लगता है कि आज भी जमीनी हकीकत में नारी सेफ है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग ही हमसे ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं तो बाकी लोग से हम क्या एक्सपेक्ट करें? 2016 बैच का ये सिपाही गोमती नगर थाने में तैनात है, जिसका नाम गौरव है। और एसएसपी के कॉन्फ्रेंस हॉल में छात्र छात्राओं के सामने सिपाही पर जांच के आदेश जारी करते हुए बर्खास्त करने की बात कही। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि जो भी इस तरह काम करने वाले, उसमें खाकी वाले भी होंगे, जो भी खाकी वाले होंगे और जिनका ये काम होगा, उनको पुलिस विभाग से बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी, उन पर कोई मरोगत नहीं बरती जाएगी। निश्चित रूप से उसकी जांच होगी और उस पर बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस विभाग का काम है वुमेन सेफ्टी का, और पुलिस विभाग ही जब इस तरह का कार्य करेगा तो हम फिर दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे। तो इसकी जांच कराई जाएगी और उसमें यदि उसका 1% भी दोष पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई। बहरहाल, खाकी की इस घटना के बाद आम जनता का पुलिस से शायद भरोसा ही उठ गया हो। लखनऊ से अतीक अहमद की रिपोर्ट।